तो सर से सरकार से यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि गलत क्यों वो कर रही है कि एक पत्रकार जो इतना बढ़िया है, जो कि सारी चीज़ सच्चाई दिखा रहा है, हर जगह के एकदम ऑन द स्पॉट चली जाता है हर अधिकारी के पास, और उसको मतलब ऑन द स्पॉट पकड़, मतलब सारी सच्चाई दिखाने के बाद उसको जेल डाल दिया जाता है, ये क्यों ऐसा हो रहा है सर? बिहार में कहा बा तो हम बोलेंगे भाई बिहार में जातिवाद बा, भाई बिहार में जंगल राज बा, बिहार में नौमी फेल मुख्यमंत्री बा, बिहार में नौमी फेल और क्या बोलते भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री बा, तो हम लोग के बिहार में कोई सच्चा चीज अच्छा चीज दिखाने का है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र, मेरा नाम है विनोद शर्मा। एक ऐसा पत्रकार जो अपना माइक लेकर किसी भी कार्यालय में घुस जाता है, एक ऐसा पत्रकार जो सच्चाई दिखाने के लिए अपने जूते घिस देता है, एक ऐसा पत्रकार जो अधिकारियों को नेताओं को जगाने का काम करता है, लेकिन उस पत्रकार पर यह आरोप लगा है कि वह फर्जी खबर चला रहा था और इसीलिए उसको बिहार सरकार ने जेल में बंद कर दिया। हम मनीष कश्यप की बात करेंगे, वो पत्रकार जो अपने जज्बे के साथ कहीं पर भी फील्ड में उतरता था तो पूरी सच्चाई दिखाता था, लेकिन ये जो आरोप मनीष कश्यप पर लगा है कि उसने गलत खबर दिखाई है, उसके बाद उसको जेल की हवा खानी पड़ रही है, लेकिन जनता क्या सोच रही है, मनीष कश्यप के चाहने वाले या फिर देश की जनता मनीष कश्यप पर क्या बोल रही है, सीधी बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रवि कश्यप है और मैं दिल्ली से हूँ। रवि कश्यप जी, यानी आप मनीष कश्यप और रवि कश्यप जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जो सच्चा पत्रकार है, आज उसको जो जेल डाल दिया है, क्यों डाला है कि वो बिहार की जो अपनी राजनीति दिखाता है, जो गलत चल रही है उसको सच दिखाने का गुनाह है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आप भी एक मीडिया वाले हो, आपको इस चीज सच दिखाओगे क्या आपको भी जेल में डाल दिया जाएगा? मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूँ सर। जो सरकार बताएगी तो सर से सरकार से यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि गलत क्यों वो कर रही है कि एक पत्रकार जो इतना बढ़िया है, जो कि सारी चीज़ सच्चाई दिखा रहा है हर जगह के एकदम ऑन द स्पॉट चली जाता है हर अधिकारी के पास, और उसको मतलब ऑन द स्पॉट पकड़, मतलब सारी सच्चाई दिखाने के बाद उसको जेल डाल दिया जाता है, ये क्यों ऐसा हो रहा है सर? सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए और जो गलत किया है उसको, जो मतलब जेल डालने की बात की थी और जेल डाल दिया, उसको रिहा करा जाए, मेरा कहने का मतलब ये है। रिहा किया जाए जी। आप मानते हैं कि मनीष कश्यप को गलत सरकार ने अंदर भेज दिया? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार तो कह रही है मनीष कश्यप भ्रम फैला रहे थे। नहीं सर, जो सच्चाई दिखाएगा तो उसको यही है कि जो सच दिखाएगा उसको जेल डाल देगी गवर्नमेंट, जो कहीं की भी गवर्नमेंट है, कि आज कोई भी अगर उसके लेवल में सही बोलेगा तो वो सच है, और जो उसके खिलाफ बोलेगा तो उसको जेल डाल देंगे। मनीष के समर्थन में है जी। सर क्या कहेंगे, मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार जो सच्चाई दिखाता था, लेकिन आरोप यह है कि मनीष कश्यप ने हुमर फैलाया, गलत खबर चलाई, इसीलिए उसको तेजस्वी यादव सरकार ने जेल पहुंचा दिया। नहीं, वो ऐसा कहने को भी आ रहा है कि बिहार और तमिलनाडु में जो है दंगा भड़का रहे थे, हिंसा भड़का रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। जो बिहार का जो रियल, जो बिहार इतना गर्त में डूबते जा रहा है, जहाँ का शिक्षा संस्थान इतना गड़बड़ होते जा रहा है, आपको बिहार, यहाँ बिहार, यहाँ दिल्ली में आप आइए, दिल्ली में आप कहीं भी आपको मिल जाएगा, जैसे हम मिले हैं कोई पत्रकार तक या ऑटो चलाने वाले तक या पीजी में जो खाना बनाते हैं, सब कोई आपको बिहारी मिलेंगे, लेकिन आप बिहार में जाइए तो आपको दिल्ली तमिलनाडु कोई नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा संस्थान है ही नहीं, वहाँ से प्लान हो रहा है, तो यहाँ पे कोई यहाँ से कोई वहाँ क्यों जाएगा? और आपको बताया था मनीष कश्यप को, सिर्फ मनीष कश्यप को टारगेट नहीं किया गया, वो इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उनका रियल नाम जो है त्रिपुरारी तिवारी है, ठीक है? तो तिवारी जो टाइटल है ना, तिवारी जो टाइटल है, इस टाइटल की वजह से उनको टारगेट किया गया, क्योंकि आपको बताया था कि बिहार में है, बिहार में है जातिवाद। मतलब वहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए मनीष कश्यप पहले अगर मान लीजिए मुद्दा उठाता था, जब बीजेपी का सरकार था तब भी वो बोलता था खिलाफ, उसका मुद्दा उठाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जब आपका भ्रष्टाचार, जब इंजीनियर भ्रष्टाचार इंजीनियर को रेलता है, जब भ्रष्टाचार सरकार को रेलता है, तो उन पर टारगेट कर दिया जाता है। क्यों क्यों करता है? क्योंकि उसका नाम जो है, नाम क्या है, तिवारी लगता है, क्योंकि बिहार में जातिवाद, जब तक बिहार में जातिवाद रहेगा तब तक ये सब होने वाला नहीं है। और मनीष कश्यप को मेन पर्सनली इसीलिए टारगेट किया गया क्योंकि 25 में इलेक्शन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप भारी पड़ने वाला था, क्योंकि वो जितना मुद्दा था, जो आप लोग एक पुल बनाते हैं दो कदम चलिए टूट जाएगा, मरीन ड्राइव बनाते हैं उसको टूरिज्म सेक्टर नहीं देते हैं, प्राचीन जो हम लोग का बिहार में सभ्यता था उसको आप लोग खत्म कर दिए, तो ये सब चीज को देखते हुए मनीष कश्यप टारगेट कर रहे हैं। और आपको योगी मॉडल का बिहार में भी मांग हो रहा है, क्योंकि देखिए यूपी में जब नेहा सिंह राठौर गाना गाती है कि ए बाबा यूपी में कहा बा,
तो वहाँ के जनता और यूपी में काबा, यूपी में बाबा बा ना, योगी जी तो खुद बोल दिए, वहाँ का जनता और सीएम सब खुल के बोल रहा है, गर्व से बोल रहा है यूपी में बाबा बा ना। लेकिन जब आप बिहार में जाइएगा, बिहार में पूछिएगा, तो वहाँ का जनता अपने आप शर्मनाक हो जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं, हमसे अगर कोई पूछे यूपी में बिहार में काबा, तो हम बोलेंगे भाई बिहार में जातिवाद बा, भाई बिहार में जंगल राज बा, बिहार में नौमी फेल मुख्यमंत्री बा, बिहार में नौमी फेल और क्या बोलते भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री बा। तो हम लोग के बिहार में कोई सच्चा चीज अच्छा चीज दिखाने का है ही नहीं। प्राचीन सभ्यता हम लोग खत्म कर दिया गया, इंडस्ट्री से पलायन हो गया, उसके बाद शिक्षा संस्थान इतना गड़बड़, सरकारी स्कूल को आप सरकारी स्कूल आप कभी जाइएगा तो वहाँ पे कोई टीचर आपको नहीं दिखेंगे, ना टाइम से आता है, खाली सत्तू पिएंगे, भूजा फाकेंगे और बच्चा को पढ़ाते भी नहीं है और निकल जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलता है। क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा मनीष को अंदर करने का? खामियाजा देखिए, मनीष का से बोला 180 दिन, ठीक है, कुछ ज्यादा फेंक दी, क्योंकि देखिए संविधानिक तौर पर बोल दिया 180 दिन बोल दिया। हम आपको बता रहे हैं मनीष कश्यप को 24 घंटा में सरकार गिरा देगा, क्योंकि वहाँ का नौजवान जो सब जान चुका है कि दिल्ली से भी आवाज उठ रहा है कि नेता नहीं जीजा नहीं नेता खोजो, क्योंकि बिहार में नेता का जो है जीजा का नहीं, कि यादव है तो यादव को वोट देंगे, पासवान है तो पासवान को वोट देंगे, हम ब्राह्मण के बेटा हम चिराग पासवान को वोट देना चाहते हैं, चिराग पासवान को देना चाहते हैं। मनीष कश्यप को अंदर पहुंचा दिया, लेकिन समर्थन में सैकड़ों युवा आ गए, आखिर क्या है मनीष कश्यप में ऐसा? सरकार तो कह रही है गलत खबर चलाते हैं मनीष कश्यप। 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर है सोशल मीडिया पे, तो जमीनी स्तर पे जो उन्हें एक बार देख लेता है वो उनका फैन हो जाता है, लगभग 10 करोड़ लोग उनके फैन है पूरे भारत में अपार्ट बिहार, और बिहार में तो इनकी ऐसी प्रसिद्धि है, आज आप एक चुनाव लड़वा लो इसके सामने, तेजस्वी यादव के सामने अगर मनीष कश्यप को खड़ा कर दिया जाए तो वन साइडेड चुनाव हो जाएगा, क्या पता तेजस्वी यादव की जमानत जब्त हो जाए। ये चारा चोर का बेटा, ये कहते हैं कि तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, ऐसा परिवार खामियाजा भुगतना पड़ेगा भयंकर, इनको सत्ता में जगह नहीं मिलेगी। 2025 में सब समाप्त है, 2025 में ये खत्म होने वाला है बस। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मनीष कश्यप के समर्थन में हजारों युवा हैं, लेकिन क्या सरकार को मनीष कश्यप के जेल डालने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो देखना होगा। लेकिन मनीष कश्यप वो पत्रकार जो अपनी पत्रकारिता के चलते सच्चाई देश के सामने पेश करने की कोशिश करता था, लेकिन बिहार सरकार के आरोप ने मनीष कश्यप को जेल पहुंचा दिया कि वो ह्यूमर फैला रहे थे, वो गलत खबर चला रहे थे, लेकिन युवा मनीष के साथ है। अब देखना ही होगा कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे तो बिहार की क्या तस्वीर देखने को मिलेगी। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।